कैंसर बीमारी आजकल एक बहुत बड़ा मेनास पूरा दुनिया में। सो इसके लिए कारण बहुत कारण खाता है, लेकिन इसके बारे में जब हमारा लड़का को 2010 में ब्लड कैंसर आया, उसी समय पर हम इसको क्या ऑल्टरनेटिव डाइट सप्लीमेंट्स दे करके क्योर कर सकता है, ऐसा हम सोचे। और साथ साथ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में हम लोगों डाइट सप्लीमेंट भी डेवलप करके बिना डॉक्टर का जानकारी हमारा लड़का को दिए। सो आज वो स्वस्थ में है और बर्मिंगहम में वो पढ़ रहा है। एंड इसमें मैं 3 हर्बल ड्रिंक्स दे रहा हूँ जनरली फॉर ऑल कैंसर्स, बट कुछ कैंसर के लिए अलग अलग है। उसका डिटेल्स आप लोगों यूट्यूब या miracledrinks.in में देख सकता है पूरा एंटायर डिटेल से। और इसमें क्या है कि मॉर्निंग एंटी एजिंग सपोर्ट काली पेट में, दिन में रीनल केयर बिफोर लंच, शाम को इम्यून केयर बिफोर डिनर लेना है। और मॉर्निंग एंटी एजिंग का साथ में 4 क्लोव लहसुन लेना है और 2 स्लाइस अदरक लेना है और 2 बार तीसी या उसको अलसी मट्टा खा सकता है वो बिफोर ब्रेकफास्ट शाम को 5-6 बजे लेना है। और इसको कैसा प्रिपेयर करना है वो मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स फॉर कैंसर ऐसा यूट्यूब में सर्च करें तो ऑटोमेटिकली आता है। इसमें फ्लैक्स सीड्स के साथ में कोल्ड प्रेस फ्लैक्स ऑयल मिक्स करके कैसा बनाना वो उसमें डिटेल्स है। और इसके अलावा 2 बार हल्दी का टैबलेट बना करके घर में ही बिफोर आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर ले सकता है। और इसमें फ्लैक्स ड्रिंक मतलब तीसी का मट्टा या अलसी का मट्टा विथ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताएंगे कि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और लिगनिंस दैट्स एंटीऑक्सीडेंट्स ये भरपूर है। और आपको आश्चर्य लगेगा 15 ग्राम का 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स इक्वल टू 46 किलो ऑफ पीनट्स या 6.5 किलो कैश्यू नट्स या 1 किलो ऑफ सॉल्मन फिश, उसमें इसमें कितना मेडिसिन वैल्यू उतना उसमें है। और साथ साथ में ये कैसा काम करता है टेक्निकली मैं आपको समझाता हूं। ये सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करता है उसको और सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सो इन टर्न वो जो है गुड सेल का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो करके बैड सेल का मल्टीप्लीकेशन मतलब डाउन होता है, इस तरफ से ये शरीर में मदद करता है। सो इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं क्यूर 100% होता है, लेकिन जो भी आदमी हमारे पास में आता है, जो आदमी 2-3 महीने ही जिंदा रहेगा ऐसा डॉक्टर कहता है, ऐसा आदमी हमारे पास में आता है एंड लेता है, अभी 3-4 साल भी एंजॉय कर रहा है।